सटीक उदाहरण दिया कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, इस भारत के जो जमीन है इसको हम भारत माता कहते हैं, जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, तो हमें ये पूरी केयर करनी चाहिए, हमें इसको गंदा नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ये कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने उदाहरण के जरिए उसको और सप्लीमेंट किया है, उसको और उन्होंने इम्फेसिस किया है कि चूंकि हम जो भी लोग देशभक्त है वो कम से कम कूड़ा ना करें। अब मैं आगे आता हूँ। देखिए, ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है, हैबिट में आ चुका लोगों के, खाना और मूंगफली फेंक देना, पान खाना और पीक मार देना, तो ये एक दिन में नहीं जाएगा। और ये इन सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अगर गंदा हो गया तो प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत कैसा उदाहरण है, इसको हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। गोविंद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। जब आपके संस्कार में नहीं आया, आखिर एक जापानी, एक जर्मन, एक जो चाइनीज होता है, वो क्यों हर चीज को, कोई भी गंदगी होता अपने हाथ में ले लेता है? वो कोई अगर केला भी खाता, छिलका अपने पॉकेट, अपने किसी उसमें पॉली बैग में रख लेता है, कहीं दूर जाके फेंकता है। हमारे भारत में क्यों नहीं? तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था ने, मुझे लगता है, इसमें फोकस नहीं किया। हमारा जो कल्चर था, या हमारे घर में भी वो शायद सीख अभी पहले नहीं दी गई, शायद इसलिए ऐसा हुआ। अब जब कोई भी कल्चर होता है टॉप डाउन होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको फोकस लिया हुआ, तो निश्चित रूप से जो फॉलोअर्स होते हैं, और जब देश का प्रधानमंत्री किसी चीज को फोकस मिल लेता है तो नीचे वाले इसको फॉलो करते हैं। आने वाले टाइम में लगता है इसका असर अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं। गोविंद पंत राजू जी, फिलहाल हम इसमें बोलना चाहेंगे। जी राज साहब, बोलिए बोलिए। नहीं, गोविंद पंत जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। जी गोविंद जी।